ये काफिले की नई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम यहां पर पहुंचे हुए, सड़क के दोनों साइड देखिए बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो गोरखपुर के लोग हैं, उनका उत्साह देखते बन रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है पीएम की गाड़ी पर। पीएम यहां पर लोगों से देखिए, लोग चाहते हैं इस मोमेंट को भी कैप्चर कर लेना और हाथ हिला करके गाड़ी में बैठे ही, हालांकि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए प्रधानमंत्री। ये उनके काफिले की तस्वीर इस वक्त हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पीएम पहुंचे हुए हैं गोरखपुर में, गोरखपुर के दौरे पर हैं और इसके बाद काशी भी जाएंगे प्रधानमंत्री। वहां भी कई योजनाओं का लोकार्पण करना है, शिलान्यास भी करना है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं और जब पीएम यहां पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया गया योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। विशाल पीएम का काफिला हम देख रहे हैं यहां शहर से होकर के गुजर रहा है। आपके पास क्या अपडेट, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में, आप ये कह सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर गीता प्रेस पहुंच जाएंगे। पूरे रास्ते भर में उनका स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। गोरखपुर के लोग सड़कों के दोनों तरफ मौजूद हैं, जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर। और पीएम मोदी एयरपोर्ट से गीता प्रेस के लिए बाय रोड रवाना हुए थे और अब से 5 मिनट के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी गीता प्रेस पहुँच जाएंगे, क्योंकि गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जो लगातार यहाँ पर उन तमाम धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती रही है जो सनातन धर्म से जुड़ी रही हैं और खास तौर पर उनके प्रचार प्रसार से जुड़ा रहा है गीता प्रेस का पूरा इतिहास, क्योंकि न सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता बल्कि रामायण, उपनिषद और साथ ही कई पुराण, इस तरह के प्रकाशन लगातार गीता प्रेस की तरफ से किया जाता रहा है। कई उतार चढ़ाव भी गीता प्रेस ने इस समय देखे और जब 100 साल पूरे हुए तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इस पुरस्कार का महत्व यह है कि जिस तरह से अहिंसा और शांति के जरिए जो राजनीतिक विचार हैं या फिर जो आध्यात्मिक विचार हैं, उनका आदान प्रदान यहाँ पर गीता प्रेस की तरफ से किया जाता रहा, उनका प्रचार प्रसार किया जाता रहा। और गीता प्रेस को जब ये पुरस्कार दिया गया तो इसके कई बड़े मायने हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इस पुरस्कार का विरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने इस पर बधाई दी थी गीता प्रेस को। और गीता प्रेस के इसी शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पीएम मोदी हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी और अब पीएम मोदी इसके समापन में पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ जहां जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसका एक मैसेज पीएम मोदी की तरफ से देने का प्रयास किया जा रहा है समापन समारोह में शामिल होकर, तो दूसरी तरफ जब गीता प्रेस से पीएम मोदी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो अपने डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जब यहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की 498 करोड़ की परियोजना का आधारशिला रखेंगे और इस इलाके के, पूर्वांचल के इलाके के कुछ और रेलवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जोधपुर से साबरमती के बीच में एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी गोरखपुर से ही पीएम मोदी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि चुनावी मोड है। और जैसा आपने जिक्र किया कि ये पूर्वांचल का जो हिस्सा है, पूर्वांचल के हिस्से में अगर हम गोरखपुर की बात कर ले तो ये योगी आदित्यनाथ का एक तरह से अवैध किला रहा है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है। 2018 का उपचुनाव अगर छोड़ दें तो बाकी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसके आसपास के जो जिले रहे हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, साथ ही संत कबीर नगर, बस्ती, डुमरियागंज, इन तमाम लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होती रही है। लेकिन जब इससे थोड़ा आगे बढ़ते जो चुनौतीपूर्ण सीटें बीजेपी के लिए रहती हैं, उसमें आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, इसमें बलिया में भी चुनौती बीजेपी को मिलती रहती है, अंबेडकर नगर, तो ये जो पूरा हिस्सा है जिसमें जौनपुर भी आता है, मछली शहर भी आता है, इन इलाकों में थोड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहती है। लेकिन पूर्वांचल बीजेपी को हमेशा से एक बड़ा मैसेज देता रहा है। जब से पीएम मोदी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंचे तो आप ये कह सकती हैं कि पीएम मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो खुद एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं, 3 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, सुबह रायपुर में है, दोपहर में गोरखपुर में है, शाम को वाराणसी में है, तो किस तरह से चुनावी मोड में पूरी तरह से बीजेपी आ चुकी है ये इससे बिल्कुल साफ होता है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं वंदे भारत ट्रेन की, जो इस प्लेटफॉर्म पर आकर तैनात हो गई है और यहां से वंदे भारत ट्रेन रवाना होगी गोरखपुर से लखनऊ के लिए। आज हालांकि यह विशेष ट्रेन के तौर पर यहां से रवाना होने वाली है। 9 जुलाई को यह ट्रेन लगातार गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से गोरखपुर
गोरखपुर के बीच में चलती रहेगी। सिर्फ शनिवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी, बाकी सभी दिन 6 दिन गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से गोरखपुर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलती रहेगी। सुबह 6:05 पर गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होगी और लगभग 10:15 के आसपास यह ट्रेन लखनऊ पहुंच जाएगी, यानी 4:10 में। Z News.